मैं जी कनाडा में और टेम्परेचर है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सूरज निकला हुआ है तो ये फील नहीं हो रहा है कि ये 39, अंदर में कार में बैठे नहीं पता चल रहा कि -39 है, लेकिन बाहर बहुत बुरा हाल है। इस ड्राइव में सुबह का रश भी देखने को मिलेगा या नॉर्मल लाइफ? रश तो खैर नहीं कह सकते, नॉर्मल लाइफ देखने को मिलेगी यहाँ पे। और सबसे पहले नजर पड़ती है स्नो ब्लोअर के ऊपर, बर्फ जम गई गैरेज के अंदर, और बाहर निकलते ही चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ऊपर से लेकर नीचे तक ढका पड़ा है। ये सामने है जी हमारे हाईवे, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि -39 में भी कनाडा में लाइफ रुकती नहीं है। और ये अथॉरिटीज एटलीस्ट हाईवे के ऊपर रात को ना ये बड़ी बड़ी मशीनें इस टाइप की लगा के रोड्स के ऊपर से बर्फ हटा देते हैं, क्योंकि नहीं तो एक्सीडेंट होने का बहुत डर रहता है। ये सामने जो कार के एग्जॉस्ट जो है ना जमा हुआ है, ये कंडेंसेशन हो जाती है ठंड की वजह से, बाहर निकलते ही पूरी तरह जम जाता है ये। ये सामने काले वाली कार से तो और भी ज़्यादा ये कंडेंसेशन हो रहा है। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ जी टस्करी रेलवे स्टेशन, कनाडा के कैलगरी सिटी में। और आज की मेरी वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि टेम्परेचर -39 है, धूप निकली हुई है, लेकिन अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि इतनी ठंड होगी बाहर में। ये सब कुदरत के नज़ारे हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि -39 में कनाडा में लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, जैसे कि रूटीन में चलती है। इतनी है कि सामने स्कूल बस भी जा रही है, स्कूलों में भी यहाँ छुट्टियाँ नहीं करते हैं, सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। अब हम एक और कम्युनिटी के अंदर से पास हो रहे हैं जी। कनाडा में रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ को यहाँ कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हाईवे पे तो रात को उसी दिन साफ़ कर देते हैं, रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ में जो बर्फ़ साफ़ करने का नंबर बाद में आता है। जैसे ये साइड में पड़ी हुई है ना, ये मशीनें आई होंगी तो इन्होंने उठा के ये सारी की सारी बर्फ़ साइड में कर दी है। आप ना कमेंट बॉक्स में जाके लिखना कि क्या आपने कभी इतनी ज़्यादा ठंड देखी है अपनी लाइफ में। तो ये है जी, हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के नज़ारों का। ये ट्रीज़ पे जैसे क्रिसमस के दिखाते हैं ना, ये बर्फ़ से ढके हुए हैं, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। एज ए टूरिस्ट आएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, रहना पड़ेगा तो भैया फिर लाइफ थोड़ी टफ़ है। क्या शानदार नज़ारे हैं, देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है ये। लो जी एक और चीज़ देखने को मिल गई, ये स्कूल के बच्चे लग रहे हैं जैसे कि उन्होंने बैग लटकाए हुए हैं पीछे, तो बस का इंतज़ार कर रहे हैं ये। इन बच्चों को ओपन में देखते हुए मुझे ध्यान आ रहा है कि कई दफ़ा यहाँ लोगों की फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, हाथ और पांव की उंगलियों तक काटने की नौबत आ जाती है। अरे यार मैंने बहुत सीरियस बातें कर ली हैं, थोड़ा हल्की फुल्की बात भी कर लें। इन नज़ारों को जो एंजॉय करते हैं आप और आप दोनों मिलके, कैसे लग रहे हैं ये आपको? देखिए सामने पहाड़ नज़र आ रहे ना, पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं, और क्या शानदार नज़ारे हैं। इतनी धूप में तो ये नहीं पता चलता कि इतनी ज़्यादा सर्दी है, लेकिन मज़े बड़े आ रहे हैं कार के अंदर बैठे हुए। कैसा लग रहा है आपको यह, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कुछ ना कुछ जाके, ठीक है? ये देखो जी है ना प्योर हेवन। लो जी लो कैसे लग रहे हैं ये ट्रीज बर्फ से ढके हुए दोनों तरफ। ये सामने आ रही है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैलगरी की बस, राइट हैंड साइड ड्राइव है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। ये मेरे राइट साइड पे है जी इस कम्युनिटी की शॉपिंग सेंटर या मार्केट, बहुत खुली खुली जहाँ बनी होती है कनाडा में, जगह तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सामने अब नजर आना शुरू हो गया है जी
ये टस्कनी रेलवे स्टेशन। तो लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को नज़र आ रही है, पार्किंग कितनी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, और ये सामने है जी रेलवे स्टेशन टस्कनी। तो दोस्तों हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सो दैट कि आपके फ्यूचर की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।